वन टू, ये जो माइलस्टोन है ये गलत फॉलो करते हुए शॉर्टकट 13 टेंट सिटी। और यही है दोस्तों मनिया मोड़, बांस के बनाया गया है यहाँ पुल। इतने ही बड़े कावर लेके आए हैं भक्तजन लोग, हर साथ धर्मशाला महादेव भगवान सबको दान मत दीजिए, बच्चों को दर्शन। नहर बनाया गया है, चरण स्पर्श करते हैं कुमार नदी, बोलिए बोल बम की अपने जिंदगी का फुल मजा लेना। तो दोस्तों ये है हमारा डे सेकेंड सुल्तानगंज से लेकर के देवघर का यात्रा जो की 105 किलोमीटर का है। तो दोस्तों अभी हम लोग मनिया मोड़ से मात्र 2 किलोमीटर पीछे हैं। हम लोग तो रात में सोचे थे कि वहां तक पहुंच जाएं लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए, पैर जवाब देने लगा था। तो एक होटल में रुके थे, तो यहां से जल उठाते हैं और जल उठाने से पहले आपको 5 बार ताली बजाना पड़ेगा, जैसे 3 4 5, उसके बाद 5 बार आपको उठक बैठक लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। आप पूरा भी उठक बैठक लगा सकते हैं, अगर आपको तकलीफ है तो आप कम भी लगाइएगा तो वो चल जाएगा। अभी लगभग 7 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं, और सुबह सुबह चलने में तो मजा है ना वो क्या ही बताएं। और बिहार में जो समतल भूमि है इसके कारण हवाएं भी बहुत तेज चल रही है और बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। हम लोग लगभग देवघर पहुँच चुके हैं, यहाँ 6 किलोमीटर है, लेकिन ये जो माइलस्टोन है ये गलत है। तो ये सब जो प्रशासन है या फिर जो भी अधिकारी हैं सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक के कांवड़ यात्रा के, तो उन लोगों को देखना चाहिए क्या सोचेंगे कांवड़िया कि 6 किलोमीटर दूर यहाँ से सुल्तानगंज, और 26 किलोमीटर हम लोग पार कर चुके हैं। मनिया मोड़ 1 किलोमीटर है, कुमारसार नदी 6 किलोमीटर और बाबा धाम मात्र 80 किलोमीटर दूर है। इधर भी रास्ता है जो कि वहाँ से जाके मुड़ने के बाद फिर वही मिलता है। और ये देखिए कांवड़िया बंदों ने, कांवड़िया बम ने इधर से मिला दिया इस रास्ता को, एकदम नज़दीकी रास्ता से हम लोग अभी जाएंगे, तो चलते हैं एकदम फॉलो करते हुए शॉर्टकट। तो हम लोग खैरा तक पहुंच चुके हैं शॉर्टकट रास्ता को लेकर, खैरा टेंट सिटी जो कि 200 बेड का यहां सुविधा मिलता है। और अगला जो टेंट सिटी होगा वो अबरखा टेंट सिटी मिलेगा हम लोग को यहां से 28 किलोमीटर दूर में, जहां 600 बेड का सुविधा है। बिहार के मशहूर गायक तथा कलाकार खेसारी लाल यादव जी इन्हीं को चलाया करते थे जो कि है बैंड। तो अभी तक हम लोग मनिया पहुंच चुके हैं, मनिया के जस्ट बगल में दोस्तों रांची से तस्वीर, मनिया तक पहुंचे हैं। अब ये मनिया मोड़ है या नहीं ये नहीं मुझे पता है, और यही है दोस्तों मनिया मोड़। और इधर है रामपुर जो कि 1 किलोमीटर दूर है, और तारापुर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और इधर है कांवड़िया पथ। बिहार के लोग कितने जुगाड़ू होते हैं। मनिया मोड़ के थोड़े से आगे में ये देखिए कितने बांस के बनाया गया है यहाँ पुल, ऐसा लगता है कि आदि जमाने का ये पुल है। अब धीरे धीरे धूप निकलने लगी है, अभी हो रहा है सुबह का 7:24 और अभी हम लोग कहुआ तक पहुंच चुके हैं। डाक बम तथा बोल बम के लिए निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है जो कि मोजा कछुआ मुंगेर जिले में है। कहुआ, इतने ही बड़े कावर लेके आए हैं भक्तजन लोग बाबा पर जल चढ़ाने के, हर साथ धर्मशाला तथा डंडी आश्रम। कुमारसार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और अभी का मौसम देखिए एकदम सुहाना सा मौसम हो चुका है। गोविंदपुर तक पहुंच चुके हैं और ये बांका जिले में है, और यहाँ से कुमारसार मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चों के द्वारा बनाया गया है यहाँ महादेव भगवान, और यहाँ एक चेक पोस्ट बनाया गया है, और हम लोग लगातार चल रहे हैं, कभी धूप तो कभी छांव हो रहा है। रास्ते में आपको इस प्रकार के ढोल बजाते हुए लोग दिख जाएंगे जो कि ऐसा चाहते हैं आप। सुल्तानगंज से लेकर अभी तक ये पहला 1 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पर पेड़ पौधा कुछ नहीं है कांवड़िया पथ में, और अभी धूप भी ज्यादा है, पसीना भी आ रहा है, फिर भी हम लोग को चलना पड़ रहा है। और अभी 8:30 बज रहा है, यहाँ एक सुंदर सा मंदिर है और यहाँ चौराहा भी है, लेकिन इस चौराहा पर कहीं मुड़ना नहीं है, सीधे चलना है। सुबह से चलना स्टार्ट करने के बाद ये मेरा पहला स्टॉपेज है जो कि संग्रामपुर के जनकपुर नामक गांव में है। ऐसे दान दक्षिणा तो सब कोई लेना जानते हैं, लेकिन इन बच्चों जैसा कोई नहीं। ये देखिए ये सब अपने हाथों से क्या ही बनाए, कोई शिवलिंग बनाया है, कोई घर बनाया है, कोई आदमी को बनाया है, और ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन लोगों को दान नहीं देखिए, आप लोग किसको दान देते हैं जो एकदम पूरा तरह से स्वस्थ है, और प्लस वो सब जबरदस्ती इधर खून तून लगा लिया है, वो सबको दान मत दीजिए, बच्चों को दीजिए।
दोनों साइड पेड़ रहता है तब तो हम लोग को लगता है कि बहुत नजदीक ही जाना है, लेकिन वो देखिए उतना दूर तक अभी हम लोग को जाना होगा। वैसे तो हम लोग को 105 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन फिर भी आंख जब देख लेता है कि दूर है ना, तो लगता है कि अब नहीं चल पाएंगे। ये कवरिया पथ के बगल में छोटा सा नहर बनाया गया है और ये बीच बीच में चेक पोस्ट भी दिया गया। और देखिए बूढ़ी दादी एकदम सिंगल पोल के सहारे इस पार से उस पार जा रही है। यहाँ से नवगाई संग्रामपुर 2 किलोमीटर दूर है और इधर राइट साइड से कुमारसार 0.5 किलोमीटर दूर है और उसके बाद है कुमारसार नदी। अभी हम लोग कुमारसार धर्मशाला पहुंच चुके हैं, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे धोरी धर्मशाला जो कि 1 किलोमीटर दूर है। उसके बाद जलेबिया, टंकेश्वर, अवलखा, कावरिया, इनावरन, ये सब धर्मशाला का नाम है। तो चलिए चलते हैं। और कुमारसार धर्मशाला के पास कुछ कुछ बस्तियां भी बसी हुई है। कुमारसार के पास आपको मिल जाएगा बबलू रेस्टोरेंट, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, अखंड वासनी सेवा ट्रस्ट जो कि गोलघर पटना के सौजन्य से चलता है दोस्तों, ये कुमारसार के पास ही है और यहाँ सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। कुमारसार पहुंच चुके हैं और एक रोड इधर से आने के बाद सीधा भी जाती है, उधर कावरिया पथ नहीं बनाया गया है, वो लेफ्ट साइड से कावरिया पथ बनाया गया और नदी थोड़े ही बगल में है। इधर कुछ मंदिरों का आपको दृश्य दिख रहा होगा दोस्तों और ये कुमारसार में ही है और नदी कितने दूर में ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। बार बार एकदम सोच रहे नदी आएगा नदी आएगा, लेकिन परेशान हो चुका। सार्वजनिक कांवरिया धर्मशाला और इधर है प्रदर्शन। मुंगेर जिला के अंतर्गत ये देखिए घूमने वाले कुछ स्थान, नौका विहार, मुंगेर किला। प्रदर्शनी देखना तो हम लोग का एक बहाना है, असली मजा तो ये पंखा का हवा खाना है। इधर एक गांव है और इधर स्कूल और कॉलेज तथा कांवरिया धर्मशाला है और अभी हम लोग इधर ही जा रहे हैं। यहाँ से एक सीधा रोड चल जाती है, लेकिन यहाँ जो कुमारसार का ये बोर्ड लगाया गया है इसके हिसाब से चलना है और आपको लेफ्ट लेना है। सो फ्रेंड्स, सुबह 7 बजे चलने के बाद द वेट इज ओवर नाउ। अभी हम लोग कुमारसार नदी के पास पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहाँ है कुमारसार नदी। नदी के पास आपको भुट्टा वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, भुट्टा खाइए गर्मा गर्म। और नदी में कुमारसार नदी में आ चुके हैं और ये मेरा पहला कदम जा रहा है कुमारसार नदी में, तो ये चरण स्पर्श करते हैं कुमारसार नदी का। और क्या ही ठंडा पानी है दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म लगता है कि भी चाय पी लें या फिर गर्मा गर्म मक्का खा लें, एकदम गर्म खाने का मन कर रहा है क्योंकि नीचे से ठंडा हो रहा है। अब देखते हैं। और इधर कुछ घोड़ा वगैरह भी रखा गया है और ये सब घोड़ा पर चढ़ने का आपको 20 से 30 रुपया लगेगा। और इधर देखिए पूरा बैरिकेटिंग वगैरह किया गया है, ये देखिए इधर जो चैन लगाया गया दोस्तों, इस चैन के आगे आप लोग नहीं जाइएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी है, डूब भी सकते हैं। और सावन के जस्ट 2-4 दिन पहले तक यहाँ तो पानी नहीं था, लेकिन अभी पानी आ चुका है तो ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा है। तो जन लोग फोटो खिंचवा रहे हैं एकदम कैमरा फ्रेम से, बोलिए बोल बा। और कुमारसार नदी के राइट साइड में एक वहाँ मंदिर दिख रहा है और एक इधर से पुल गुजरा है, लेकिन ये पुल क्षतिग्रस्त है, उस पर शायद गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती, उसके नीचे चलती है। इधर देखिए घोड़ा पर बम लोग यात्रा कर रहे हैं, इधर देखिए बम लोग एकदम पानी में आ रही है, ये माता बम इधर आ रही है, एकदम मजा से सब कोई यहाँ कुमारसार नदी में नहाते भी हैं। ये देखिए कुछ बम लोग इधर नहा रहे हैं एकदम कमर भर पानी में, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा एकदम मैं भी भीग जाऊंगा और मेरा ये माइक वगैरह ये बैग वगैरह सब कुछ भीग जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर।